इफ कंडीशंस में हम बात कर रहे हैं ग्रेडिंग सिस्टम की, तो मेरे पास कुछ पर्संस के मार्कशीट्स हैं और मुझे इस पे ग्रेड देना है। ग्रेड देने का जो स्लैब है वो है कि अगर 40 से नीचे है तो सी ग्रेड, 40 to 60 है तो बी ग्रेड, 60 to 90 है तो ए ग्रेड, और ग्रेटर देन 90 है तो ए प्लस देना है। अब यहां पे आप समझिए, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें एंड लगाएं क्योंकि बिटवीन दिया गया है, राइट? लेकिन आप एक बार देखें, यहां पे कुछ भी आएगा सबके लिए कुछ ना कुछ है ना सर? अगर किसी को, अगर मान लीजिए कि 45 आता है, 15 आता है, तो उसके लिए स्लैब में कुछ ना कुछ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि नीचे से ऊपर घटते घटते हुए क्रम में आगे बढ़ेंगे, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में। मतलब सबसे पहले छोटा कंडीशन लगाएंगे कि अगर ए लेस देन 40 है, ठीक है, तो यहाँ पे सी ग्रेड आएगा। एंड मेथड, सॉरी और मेथड, माफ, और मेथड, कि अगर B2 इज लेस देन 40, इसका मतलब है कि वो सी ग्रेड लेके आया है, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर 40 से बड़ा हुआ तो फिर दूसरा इफ चलेगा कि इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 60 है, इसका मतलब है कि वो बी ग्रेड लेके आया। अभी आप बोलेंगे सर, अगर मान लीजिए यहाँ पे 15 होता जीरो के जगह पे, जीरो भी तो लेस देन 60 है ना सर? क्या कि दूसरे इफ पे तब जाएगा जब पहला इफ फॉल्स होगा ना सर? अगर 15 होगा तो पहले इफ पे यहाँ पे चलेगा और रिजल्ट सी आ जाएगा, दूसरा इफ इग्नोर हो जाएगा। ठीक ऐसे ही तीसरा इफ पे आया, तीसरा इफ अगर आया तो रिजल्ट देगा और यहीं पे खत्म कर देगा फॉर्मूला, नहीं तो फिर चौथा इफ चलेगा कि इफ हमने इसको सिलेक्ट किया लेस देन इक्वल टू 90, ठीक है, तो यहां पे ए ग्रेड। उसके बाद अगेन इफ करेंगे इसको कि अगर ग्रेटर देन 90 है तो यहां पे ए प्लस। अब लास्ट में हमने बहुत सारे इफ यूज किए हैं, तो उसमें ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, एंटर प्रेस कीजिए, ऑटोमेटिक पूछेगा क्लोज करेंगे ब्रैकेट, यस करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देगा। इसमें एंड लगाने की जरूरत नहीं था। नहीं, जरूरत नहीं था। एंड की जरूरत तब होगा जब हमें कुछ बिटवीन मिला हुआ है कि भाई 100 से 200, लेकिन यहाँ पे तो है ना कि भाई 100 से नीचे फिर 200 के बाद सबका दिया रहेगा, तो हम स्लैब के अकॉर्डिंग चलेंगे जैसे मैंने बताया। क्लियर है? जैसे कि पहले क्लास में बताया कि अगर दो से ज्यादा लॉजिक है तो एंड का यूज करेंगे, तो बट यहाँ पे लॉजिक तो है ना, चार लॉजिक। दो से ज्यादा लॉजिक है लेकिन हर किसी का रिजल्ट अलग अलग है ना सर? हमने आपको ये भी तो बताया था ना कि दो से ज्यादा लॉजिक हो, एक से ज्यादा लॉजिक होगा और रिजल्ट एक ही होगा, तब एंड यूज करते हैं। अगर आपके पास हर लॉजिक के लिए अलग अलग रिजल्ट है, वहां पे हम एंड और इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। यहाँ तो हर लॉजिक के साथ रिजल्ट अलग है ना सर? हम एंड यहाँ इस्तेमाल कर सकते थे ना, यहाँ पे जो आपके साथ में नंबर छठे में क्वेश्चन में था, यहाँ पे कंडीशन तो बहुत सारा है पर पास और फेल देना है, ठीक ठीक है, है, ओके। विदाउट इसमें सर। नहीं, कोई जाओ।